हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई। अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा पास है, डिग्री पास है, तो यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहां से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि आपका गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु के लिए यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका कि यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पेज में नंबर देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन आपका इनवाइट यहाँ पे किया गया है, जिसमें कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी आपकी होने वाली है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी होने वाली है, जो कि बी बीटेक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिसिप्लिन कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो बी बीटेक का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपका मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, 30 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 15 है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसीज है। और कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 18 वैकेंसीज है। और यहाँ पे मेटलर्जी और मटेरियल साइंस की बात करें तो 4 वैकेंसी, और सिविल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 80 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई, जो कि आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रखा गया है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 5/1/2021 के अकॉर्डिंग काउंट होगा, मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं आपका दिया गया। अनरिजर्व में 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी में 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एससी एसटी में 32 तक रहेगा, और पीडब्ल्यूडी में 37 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेटर डिसिप्लिन में आपका बीबीटेक डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी चेक कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल एंड डाई डिजाइन की बात करते हैं, 15 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, 10 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वैकेंसीज है, और इसमें देख सकते हैं मिनिमम एज आपका 18, मैक्सिमम 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजल्ट के केस में। इसके अलावा ओबीसी 30 साल तक, एससी एसटी 32 और पीडब्ल्यूडी 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिलेटेड डिसिप्लिन में आपका डिप्लोमा डिग्री वैकेंसीज आईटी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है, मैकेनिस्ट है, फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, सीट मेटल वर्कर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट के लिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 40 निकाली गई है। आप एज लिमिट सेम यहाँ पे रखा गया, और मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई डिग्री आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि जो भी कैंडिडेट बी बीटेक और डिप्लोमा वाले हैं, उनका एमएचआरडी nest.gov पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आईटीआई वाले कैंडिडेट का यहाँ पे apprenticeshipindia.org पे रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद आगे यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि जो भी आपका बी बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट है, उनका 2018, 19 और 2020 पास आउट केवल यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे दिया गया कि आपका पुराना नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कैंडिडेट जो है आईटीआई जो आपका होना चाहिए एनसीबीटी या फिर एससीबीटी बोर्ड से ही होना चाहिए। और यहाँ पे बाकी डिटेल दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे 5/1/2021 तक आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है आपके कॉलेज का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि आप रेगुलर बेसिस पे आपका डिग्री होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग वाला डिग्री आपके पास नहीं होना चाहिए। एससी एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो एज पर रूल आपको छूट यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन एक ये भी है कि अगर आपने पहले कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल या उससे अधिक का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा जब भी आप इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे यहाँ पे। तो उसके अलावा यहाँ पे दिया कि आपको हॉस्टल या अकोमोडेशन जो है प्रोवाइड यहाँ इनके द्वारा नहीं किया जाएगा। स्टाइपेंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 9,000 पर मंथ आपका बी बीटेक और इक्विवेलेंट वाले के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए 8,000 पर मंथ रहेगा, और आईटीआई वाले के 7,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा। मेडिकल फिटनेस के बारे में जानकारी दी गई है। सिलेक्ट करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिंपली यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो भी मेरिट बेसिस पे है उसी के आधार पर यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा, यानी मार्क्स जो भी ऑब्टेंड आपने किया है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होगा। कैसे अप्लाई करना है तो आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इस लिंक पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, या अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हैं, तो आप जनरल इंस्ट्रक्शंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जब भी आप यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको डॉक्यूमेंट्स के लेकर के जाने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं, सिंपली आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि आपका रिजल्ट जो है इस वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, तो आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं, डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई है। आपका यहाँ
यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। और सिलेक्शन के टाइम पे आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैलिड जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स दिया कि लास्ट डेट आपका रहेगा 29 जनवरी 2021। इसी तरह से फर्स्ट आपका जो लिस्ट जारी किया जाएगा 12 फरवरी 2021 को, एक्सेप्टेंस जो रहने वाला है 21 फरवरी 2021 तक। उसके बाद यहाँ पे इंट्रैक्शन विद द शॉर्ट टीचर कैंडिडेट यहाँ पे डेट दिया 24 फरवरी ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे आगे डिटेल देख सकते हैं कि प्रोबेबल डेट जो है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट का वो है 1 मार्च 2021। और यहाँ पे प्रोबेबल डेट जो है ज्वाइनिंग का आपका दिया 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स। तो आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे आप स्पीच बनाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं रखेगी, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। जो आज के अपडेट में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।